की झांकी लगी हुई गाओ गाओ। अरे मैया तेरी चुनरी है हजारी, सो गीत पढ़ गाओ। अब कहीं ब्याह में गाओ तो ब्याह में भी गीत बनो तेरी फलाना है ठिकाना। बोल मजा के गाना एक है जा पेड़ दो, क्योंकि पुरानी विधाएं जाना तो नहीं जा खत्म हो गई। और जो नए लोकगीत कलाकार है, हालांकि भगवान की कृपा से लोकगीत खत्म ही होगी कगार में है बुंदेलखंड में, लोकगीत की क्वालिटी बची केवल 52 तक। अब लोकगीत की वैरायटी हो गई थर्ड क्वालिटी की। अब लोकगीत गाए बाय कलाकार हूं आदमी थर्ड क्वालिटी की नजर से देखा। हम नहीं कह रहे पब्लिक की रिपोर्ट, हम तो 5-6 साल से गुरु जी के एक ही हलकारे में बंद कर देते लोकगीत, जब से भजन ही भजन गा रहे एक ही हलकारे में। महाराज बोले बोले जितना जूता घर लो उतनी मानो का तुम जे गा रहे। अरे अब लोकगीत संसार का उन्हें छोड़ दो, अब गब रहे लोकगीत सिसिया में तेल है गरी को और कबड्डी चड्डी फलाना सब गब रहे। जे स्थिति रही तो लोकगीत 95% खत्म है पूछ लो कलाकारन से, और 5% जो केवल ब्याह में बचे। और ब्याह के कलाकार की डिग्री अलग है, पूजनी पाठक जी है, बद्री खरी निरंकार है, पटेरिया जी है, लक्ष्मी बहन जी, उर्मिला बहन जी, हरगोविंद सिमरतन यादव, जितने कलाकार हैं सबने ब्याह में गाओ बंद कर दो, सबने लोकगीत की जाय स्थिति होगी, बिल्कुल जाय स्थिति होगी लोकगीत की। और जैसे ही घबराए तो 2-3 साल की गारंटी है हमसे एफिडेविट बनवा लो, या तो लोकगीत फिर जाएंगे तो आए बहुत साफ सुथरे सुने जाए। जाप की जिम्मेवारी है, बुंदेलखंड की संस्कृति बचाओ जाप की जिम्मेवारी है। कलाकार तो उतारू हो गए, अब कछु काम करत नहीं है, घर में कोनो काम करेंगे तो 2 ठगुआ लोकगीत सीख ले, एक पेटीकोट को, एक चड्डी को, एक तेल को, गई चलो लोकगीत प्रोग्राम ब्याह में करवाए हुए हैं। 5,000 की पार्टी मिल जाए, 8,000 की मिल जाए, 25,000 की मिल जाए, तो आराम से जिन्हें कोई काम नहीं है तो पेट भरवे के लाने लोकगीत गा रहे कलाकार पेट भर भर। सत्य बता रहा हूं, घमंड की बात नहीं कर रहा, कोनो कलाकार की बुराई कर रहे, लेकिन बुंदेलखंड की संस्कृति पर जो हमला भाव है आज भोजपुरी भाषा बम्बई को टक्कर मार रही, पंजाबी भाषा की नकल कर रहे बम्बई में, राजस्थानी भाषा की नकल कर रहे बम्बई में, और बुंदेलखंड की भाषा लत आई गई, बुंदेलखंड लत आई गई, कूड़ा में मिल गई। आज कोई को परिचय करा दो अच्छी भले बुद्धिजीवी वर्ग में गजे हमारे फलाने सिंह गंगाराम है बहुत अच्छी लोकगीत गाओ, आदमी ऐसा देखा जैसे 3-4 हत्या करके आए हो भगवान का, इतनी बुरी तरह से देखा लोकगीत कला प्रत्यक्ष प्रमाण है भोग। जब तक हम लोकगीत गाऊत रहे कि तुम प्रोग्राम में जाते, उनके बाद लोकगीत पार्टी आ गई कमेटी में कागज, अरे उतर पोर में कर दो डालो कुर्सी मुर्सी बैठा रहो थे लोकगीत वाय इतने छूत की बीमारी हुआ कि भीजने वाले आवाज होती बैठा रहो थे चार मापी भेज रहे। जब से भजन संध्या गाओ शुरू करे पूजनी गुरु महाराज के चरण की कृपा से तो आज कमेटी के लोग जागत के भाई साहब मम्मी ने बुलाओ सभी ने घरे चाय पी चल ले जाय स्थिति होगी भजन संध्या। हम तो सोच रही थी महाराज ने जितना हल्का है तो चाहे गाओ बंद कर दे, लेकिन अब लोकगीत नहीं गाए और लोकगीत गा तो ऐसे गाए जैसे हम गाए। हमारी बहुत पहले गुरु जी ने एक चलत गाड़ी में एक विधा बताई थी, वे भूल गए हुए लेकिन हमें ध्यान है, आज से करीब 20 साल पहले एक विधा बताई थी और बा विधा हमें ध्यान है और महाराज भूल गए हुए कभी बताई थी, ये बहुत अच्छी लाइन है। अरे हारे मधुर लाल, बहुत पुरानी विधा है, हमारी मम्मी हमें बैठी है जी जाना था गारंटी है कि नई बहू में बेटियां जाना तो नहीं है, और जा गारंटी है मन से कह रहे 55% कलाकार नहीं जाना चाहिए। बुंदेली विधा भी है, ये विधा में पतौनी परत के अंतरा के जैसे आ रहा हूं मुखड़ा के जैसे आ रहा हूं, ऐसी अड़बंगी गायकी है, पतौनी परत के अंतरा आ रहा हूं मुखड़ा आ रहा हूं, केवल 2 लाइनें सुनाए इसके बाद और कलाकार बैठे। अरे हारे मधुर ला बाजे बजत सुहावने, अरे हारे कुल पता बात का मुखड़ा कितना है अंतरा कितना है,
बजाए वाली हो जाए कबू कौन डिस्टर्ब, चूंकि दाऊ की बात अलग थी। दाऊ के बराबर बुंदेली विधा बुंदेलखंड के कोनो ढोलक वाले ने बजा नहीं पाई। पूजनी गुरु महाराज के जस सुने आपने, जस क्या ढोलक बजी दाऊ महाराज ने, कहूं पहले अगर राई भी गाई तो राई में क्या ढोलक बजी। दाऊ के मुकाबले ढिमरे आई, दाऊ के मुकाबले राई, दाऊ के मुकाबले कोई भी विधा बुंदेली नहीं। तो दाऊ ने बजाई है, अब तो हालांकि किलोमीटर पीछे है अंतरा का, लेकिन कोमल फिर भी बहुत अच्छी संगत। अरे हारे मधुरला बाजे बजत सुहावने, अरे हारे मधुरला, अरे हारे मधुरला गहुआ के गोबर मंगाई, अरे हारे। ध्यान रखो सीख लो, जितने गाँव वो सीख रहे हो सीख लो, जो विधाएं काम में आए। और लेकिन घमंड की बात नहीं कर हम कहूं, लेकिन पूजनीय गुरु महाराज ने जितनी विधाएं हमें सिखाई हैं, युवा पीढ़ी के कलाकारों में बहुत कम कलाकार हुई है तो अच्छी संगत में विधाएं पा गई हुई है। अरे हारे मधुरला कहुआ के गोबर मगाइयो, और ढिक धर और ढिक धर अंगने लिपाओ मधुरला। अरे हारे मधुरला जे वो विधाएं हैं, अगर हमने आपसे हम बार बार चुके एक विनती कर सबसे, लोकगीतन की संस्कृति मिटावे में कलाकारों का तो हाथ है ही, बहुत कछु हाथ पब्लिक को भी है। अबे हम आए राजू के संग, ऐसे हम राजू विश्वकर्मा के संग होते चाय पी भी गए, एक जने आ गए कम से कम एक टंकी तो दारू पिए थे, लिपड़ गए हमारे घर से, हम भी होश होते बची अब लिपड़ गए। बताओ पाँव पर वो सुना दियो पतरी सी ना जाना, हमें तुम्हारी नाश हो जा जमानो कितने से कितने पहुंच गए, तुम पतरी सी में भी दे गए। और संसार में जो गाना है तुम उल्टो घबराओ, गाय भाई गा रहे लेडीज गा रही, बिल्कुल विपरीत लाइन गा रहा, लोग सुन रहे गा रहे समझ में।